आज के समय में सपा नेता अखिलेश यादव के सबसे चहेते नेताओं में से कोई एक है तो वो है अवधेश प्रसाद। वो भी क्यों ना, जिस अयोध्या यानी फैजाबाद सीट को बीजेपी के तरकश का सबसे मजबूत बाण माना जाता था, अवधेश प्रसाद ने उसी जगह फतेह हासिल करके सबको चौंका दिया। अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारने में लगे हैं और उन्हें चुनाव की तैयारियां करने को भी कह दिया गया है। दरअसल सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी उपचुनाव के मद्देनजर मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है और तैयारी भी शुरू कर दी गई है। चेहरों पर बड़ा दांव इस बार है, जैसा कि आपने कहा पीडीए का ध्यान रखेंगे। अयोध्या से लगभग तय है कि उनके बेटे लड़ेंगे चुनाव अवधेश प्रसाद के, जो अम्बेडकर नगर सीट है। क्या कुछ चेहरे हैं जो आपको लगता है जिनको प्रेफरेंस पार्टी द्वारा मिल सकती है? देखिए पीडीए ही चेहरा है और पीडीए के ही चेहरे इस बार विधानसभा उपचुनाव में सामने होंगे। पीडीए का फॉर्मूले पे ही इस चुनाव को भी लड़ेंगे और पीडीए के फॉर्मूले पे ही चुनाव हराने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी के जहां तक बेटे का सवाल है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वो क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बात की है। उनके बेटे चाहते हैं चुनाव लड़ना। वो राष्ट्रीय नेतृत्व और पूरी कमेटी बैठ के तय करेगी जिस समय सीटों का बंटवारा होना है, जिस समय सीटों पर फाइनल, नामों का फाइनल होना है, तो वो तभी संभव है जब चुनाव की घोषणा हो जाए। तब समाजवादी पार्टी अपनी सूची की घोषणा जरूर करेगी, लेकिन पीडीए का फॉर्मूला तैयार है, पीडीए की सूची तैयार है और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी वो सूची जारी हो जाएगी। हेडलाइंस नहीं देंगे फखरुल हसन चांद? नहीं, हेडलाइन यही है कि पीडीए की सूची तैयार है और पीडीए के फॉर्मूले पे ही प्रत्याशियों का चयन भी तैयार है, लेकिन वो समय आने पे वो पीडीए की सूची, पीडीए का फॉर्मूला वो दोनों मीडिया को बताया जाएगा। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन उनके लोकसभा पहुंचने के बाद ये सीट खाली है और इस पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां सपा इस सीट पर अपना दखल बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी किसी भी हालत में इस सीट को जीतना चाहती है। फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के दो बार से सांसद को जिस हिसाब से हराया, वो बीजेपी के लिए इज्जत की बात बन गई है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी उस हार का हिसाब किताब बराबर करने के मूड में है और शायद इसलिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की जिम्मेदारी खुद उठाई है और लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से रणनीति पर बातचीत भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।